हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। स्वागत है इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन चैनल ऑनलाइन गुरुजी में। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो मिल रही है एनटीपीसी रिक्रूटमेंट की तरफ से। और एनटीपीसी का हम लोग पूरे डिटेल जानेंगे, क्या क्या मांगा गया है और इसके पूरे क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी बनाई हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और दोस्तों, जरा आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आएगी। ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग हैं एनटीपीसी के होम वेबसाइट पे, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। और हम लोग चलते हैं, पहले सॉर्ट डिटेल जानते हैं जल्दी जल्दी। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर सरकारी रिजल्ट के। देखिए यहाँ पे देखते हैं एनटीपीसी आईटीआई एंड डिप्लोमा ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। पोस्ट डेट देख सकते हैं 1 अगस्त है, 7:04 पर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2019, ठीक है। और नीचे आते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट की तरफ, तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 1/8/19 से, यानी फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट की बात की जाए तो 31/8/19 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में आप अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात की जाए तो अक्टूबर में इसका एग्जाम पड़ेगा, एडमिट कार्ड आपको सितंबर में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री फॉर्म है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, या एससी एसटी पीएच हो, या फिर फीमेल कैटेगरी हो, तो सभी के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है, यानी निशुल्क सेवा है। तो पेमेंट मोड का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि फीस है ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 79 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, और एज लिमिट जो आपकी काउंट होगी 31/8/19 से होगी। तो यहाँ पे पोस्ट नेम दे सकते हैं, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए है, आईटीआई फिटर के लिए है, आईटीआई इंस्ट्रूमेंट के लिए है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर लैब असिस्टेंट के लिए, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए है, डिप्लोमा ट्रेन मैकेनिकल के लिए है, ठीक है। एज लिमिट देख सकते हैं आपका मैक्सिमम 37 साल है, 37 ईयर्स होना चाहिए। बस इसमें लास्ट वाले में ये जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए 35 ईयर्स मांगा गया है, बाकी सबके लिए 37 ईयर्स है। और क्वालिफिकेशन की बात कर सकते हैं तो आईटीआई और फिटर के लिए यहाँ पे 10th मांगा गया है, प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद असिस्टेंट जनरल और लैब असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री, ठीक है, स्ट्रीम विथ इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। और लैब असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी विथ केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। और इन दोनों के लिए डिप्लोमा के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात की जाए तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए होना चाहिए। और रिक्वायरमेंट बोर्ड इन इन इंडिया विद 50% मार्क को आपका होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन थी, और बाकी चीज़ आपको मालूम हो चुका है। यानी ये फॉर्म मिनिमम 10th क्लास से स्टार्ट हो गया है, आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ। और नीचे आते हैं तो अप्लीकेशन, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉर्म खोल सकते हैं। और नोटिफिकेशन के लिए चलिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं। आप सील वेबसाइट पर तो आप घूम ही आए हैं, और चलिए नोटिफिकेशन पर हम लोग चलते हैं। तो नोटिफिकेशन हाँ यहाँ पर है, तो चलिए इसको जूम कर देते हैं, आपको दिखेगा, क्योंकि अभी हमको जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा होगा। इसकी इसको और जूम कर देते हैं कि आपको साफ साफ दिखे। हाँ, अब आपको दिखेगा साफ क्लियर। तो चलिए नीचे आते हैं, ये सब तो आपको मालूम हो ही चुका है। तो हम लोग को क्या जानना है, ये तो स्टेज हो गया। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके काम की चीज़ें जो आईटीआई ट्रेनिंग का असिस्टेंट के लिए, लैब असिस्टेंट के बाकी सब के लिए होंगे, उनकी जो सैलरी होगी, सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं 21,500 पर मंथ होगी, ठीक है। अब सही है, अब साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, 21,500 पर मंथ होगी। और डिप्लोमा ट्रेन के लिए जो होगी वो जो होगी 24,000 पर मंथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपको मालूम हो गया, एज लिमिट आपको मालूम है 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा आईटीआई वालों के लिए 37 ईयर्स और डिप्लोमा वालों के लिए 35 ईयर्स आपका होना चाहिए। क्वालिफिकेशन तो आपको वैसे मालूम ही हो गया है। अब हम लोग चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरह। तो दोस्तों, आपका पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज रिटर्न एग्जाम होने वाला है,
ठीक है, रिटेन, उसके बाद दूसरा भी स्टेज स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, और यहाँ डिप्लोमा के लिए भी वही चीज़ है। फर्स्ट स्टेज में रिटेन एग्जाम हो टेस्ट होगा, उसके बाद इसके लिए टेस्ट होगा, इसको उधर करते हैं। और दोस्तों अगर उसकी और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड स्टेज रिटेन टेस्ट, इसमें भी होगा, और उसके बाद बस दो एग्जाम होने वाले हैं आपके, ठीक है। और चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी बनाई हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए जॉब के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।